यानी हमारे पास एक्सरसाइज 5A का, इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट पोर्शन हमें मिला हुआ है 3/8, इसका आंसर होगा, हमें एक लाइन खींचनी है जिसकी स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए। तो अपॉन में जो है 8 लिखा हुआ है, तो हम छोटी छोटी लाइनें 8 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7। 8वीं जो लाइन है, जो 8 नंबर पर है, वो थोड़ी बड़ी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमने छोटे छोटे सेक्शन कर लिए, जो नंबर नीचे होती है उसके छोटे छोटे सेक्शन होते हैं। अब ये हमें लेना है 3 1 2 3। ये जो 3 आया यहाँ, यहाँ हमने इंडिकेशन कर लिया 3/8, ये आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था 3/8, हमने जो है सब सब फैक्टर्स कर लिए इसकी, सब पार्ट 8 कर लिए, और 3 ऊपर अपर साइड था तो हमने 3 पर जो है टिक लगा दिया। यहाँ पर ये 3/8 जो है इस नंबर लाइन पर शो हुआ। सेकंड क्वेश्चन है इसमें 5/9। अब जो हमें इसके अंदर लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे 9 दिया हुआ है, इसलिए जो लाइन नंबर 9 पर आएगी, इसके हम 9 पार्ट कर लेंगे, जो 9वीं लाइन आएगी उसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, 9th लाइन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपर साइड में 5 है तो हम इसके 5 छोटे छोटे पार्ट गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। ये हमारा यहाँ पर 5/9 रिप्रेजेंट हुआ। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 4/7। तो जो लाइन हम इसमें स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर, उसमें 7 सब पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें अपर साइड में 4 है तो हम यहाँ 4 पार्ट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। जो 4 है हम इसे थोड़े लंबी लाइन करके और 4/7 रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारा इसका थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2/5। तो हम जो इसका आंसर स्टार्ट होगा, इसमें जो 0 से लाइन स्टार्ट होगी उसमें नीचे 5 सब पार्ट लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अपर साइड में 2 है तो हम इसके 2 सब पार्ट काउंट कर लेंगे, 1 2। यही हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/5 है ऑफ दिस नंबर लाइन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1/4। तो इसके आंसर में जो हम नंबर लाइन लेंगे, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, इसमें अपर साइड में 1 है तो हम यहाँ 1 पार्ट पर ही इसको रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये 1/4, ये इसका आंसर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मिला हुआ था 3/8, तो हमने नीचे वाले पोर्शन 8 के मुताबिक इसके 8 पार्ट कर लिए, और 3 जो था वो 3 काउंट करके हमने वहाँ पर इसे रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में 5/9 था, 9 पार्ट किए और 5 काउंट करके वहाँ 5/9 को रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन में 4/7 था, एक पार्ट के 7 पार्ट किए और 4 काउंट करने के बाद वहीं पर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्थ पार्ट में सॉरी 2/5 थे तो हमने सब 5 पार्ट्स किए और जहाँ पर 2 काउंट हुआ वहीं पर इसे 2/5 को रिप्रेजेंट कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन में 1/4 थे और
इसके क्वेश्चन नंबर, इसको जो है सब 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया और 1 पार्ट जहां पर आया वहीं पर 1/4 को रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 13।